निर्भया के दोषियों को अपने सभी कानूनी विकल्प आजमाने के लिए दिया गया 7 दिन का समय कल खत्म हो रहा है। माना जा रहा है कि कल सुप्रीम कोर्ट में दोषियों को अलग अलग फांसी की सजा की याचिका पर फैसला आने के बाद जल्दी दोषियों का नया डेथ वारंट जारी हो जाएगा। इसके साथ ही तिहाड़ में एक बार फिर से फांसी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले हम आपको फांसी के कुछ नियम बताने जा रहे हैं। आपको बता दें, सुबह की खामोशी में निर्भया के दोषियों को फांसी दी जाएगी। जेल मैनुअल के मुताबिक सुबह सूर्योदय के बाद ही फांसी दी जाती है। आमतौर पर गर्मियों में सुबह 6 बजे और सर्दियों में 7 बजे फांसी दी जाती है। फांसी घर लाने से पहले दोषी को सुबह 5 बजे नहलाया जाता है। उसके बाद उसे नए कपड़े पहनाए जाते हैं, फिर चाय पीने के लिए दी जाती है। और दोषी से अगर नाश्ते के बारे में पूछा जाता है और अगर वो नाश्ता करना चाहता है तो उसे नाश्ता दिया जाता है। उसके बाद मजिस्ट्रेट दोषी से उनकी आखिरी इच्छा के बारे में पूछते हैं। उसके बाद उसे काला कपड़ा पहनाकर उसके हाथ को पीछे से बांधकर फांसी घर लाया जाता है। यहाँ पहुँचने के बाद उसके चेहरे को भी ढक दिया जाता है। ये सब काम जल्लाद करता है। फांसी देते वक्त कोई आवाज़ न हो, इसके लिए पूरे बंदोबस्त किए जाते हैं। जब फांसी देने का वक्त आता है तो उसके लिए इशारे के तौर पर रुमाल को गिराया जाता है और जल्लाद लीवर खींचता है। सभी काम इशारों में इसलिए किए जाते हैं ताकि फांसी घर में मौजूद किसी भी शख्स का ध्यान भंग न हो और न ही जिन्हें फांसी दी जा रही है वो हिंसक है। इसलिए पूरी प्रक्रिया बड़ी ही खामोशी से पूरी की जाती है। आपको बता दें, फिर जेलर के रुमाल गिराकर इशारा करने पर जल्लाद लीवर खींच देता है। लीवर खींचते ही तख्त खुल जाता है और फंदे पर लटका दोषी नीचे चला जाता है। 2 घंटे बाद डॉक्टर वहाँ पहुंचकर उसकी जांच करता है। धड़कन बंद होने की पुष्टि होने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद उसे फंदे से नीचे उतार लिया जाता है। इस दौरान जेल में कोई काम नहीं होता। फांसी लगने के बाद ही जेल के दरवाजे खोले जाते हैं। तो ऐसे में ये थी वो पूरी प्रक्रिया जो फांसी देने के दौरान की जाती है। अब देखना होगा कल सुप्रीम कोर्ट इन दरिंदों पर क्या फैसला सुनाएगा। आपको क्या लगता है, आप भी इस खबर पर अपनी राय रखिएगा। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस यूपी को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।